हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज की रीडिंग जो होने वाली है ये है राशिफल आप लोगों के लिए जो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। मोस्टली हम लोग जो है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज के साथ आपकी लव लाइफ पे फोकस करते हैं, प्लस आपके लिए जो जो एनर्जीज कार्ड बताती है हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। सॉरी फंबल कर गई, सो डिस्क्राइब करते हैं इस रीडिंग को। आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, देखो नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहें सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टैरो में इस तरीके से कोई एनर्जी नहीं रहती कि भाई एस्ट्रोलॉजी ये जो है आपको नाम के अनुसार ही देखनी है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही देखनी है, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है पिछले 2 हफ्तों के लिए रहेगी, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसके लिए रहेगी। अपकमिंग संडे में लाइव होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेल आइकन दबाकर रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं संडे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अटेंड कर सके, क्योंकि लाइव Q&A बड़ा मजेदार होता है, उसे मिस ना करें। मेंबरशिप क्लब के लिए स्पेशल लाइव होते हैं, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, वो डेफिनेटली चार्जेबल होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें ऐसा होता है कि इतने लाइव में इतने सारे लोग होते हैं, सबके आंसर्स दे पाना मुश्किल हो जाता है, पर मेंबर्स के ऑप्शन में आपको लगभग आंसर मिल जाते हैं। मैं जब लाइव आती हूँ तो आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि कम लोग होते हैं, समझो उसमें जवाब देना आसान होता है, ठीक है, डिटेल रीडिंग भी हो जाती है, तो इसीलिए मेंबरशिप क्लब ज्यादा बेनिफिशियल है। बट आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों ही ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। लाइव Q&A फ्री भी रहता है और मेंबरशिप वाला ऑप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाती है, इसी चैनल पे लाइव होता है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट 2 वीक्स की हम लोग जो है रीडिंग आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। यदि आपको अपने पर्सनल रीडिंग रिलेटेड अप्रोच करना है तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप अप्रोच करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, किसी भी कारणवश फ्री नहीं की जा सकती, आपको उसके चार्जेस जानने हैं तो व्हाट्सएप के DP पे ही चार्जेस लिखे रहते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप उसे बुक करवाने के लिए पे करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं मेरी टीम को, तभी वो आपकी बुकिंग लेते हैं। उसके अलावा आपको अगर वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है और हमारे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, तो दीदी कोई और ऑप्शन, तो आप लोगों के लिए वेबसाइट का भी ऑप्शन है www.thedivinetarotonline.com, आप वहां विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी आप अपनी तरफ से खुद कार्ड अपना जो है पिक कर सकते हैं अपने टॉपिक के अनुसार और अपनी रीडिंग खुद चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहे वैसे उस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस जो है चार्जेबल हैं, जो 99 रुपीज में ही है, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा मेंबरशिप क्लब में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि राशिफल में और क्या क्या चीजें एड ऑन होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग किसी प्रकार के डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करके आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अब बारी है कुंभ राशि की, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल। कुंभ राशि वाले खुद कुछ बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस करने वाले हो आप अपनी लाइफ में, स्पेशली आप अपने आप को लेकर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, सोच विचार करने के चेंजेस या कुछ ऐसे परिवर्तन जो आपके लिए बहुत कठिन थे पिछले कुछ टाइम से, कोई ऐसा फैसला जो आपके लिए मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच विचार हो रहा है इस चीज को लेकर, मैं करूँ नहीं करूँ, मेरे लिए ये कदम उठाना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये स्टेप उठाने से आप कम्प्लीटली एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू लाइफ की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कदम को उठाने से आपकी पूरी जिंदगी में एक मेजर परिवर्तन आ सकता है, और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद में खुद के इमोशंस पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि अगर अभी तक आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं तो आप अब अपने आप को जैसे समझा रहे हैं कि नहीं, अब से मुझे इमोशनल नहीं होना है, अब से मुझे प्रैक्टिकल होना है, अब से मैं अपने सोच विचारों पर, अपनी इमोशन पर नियंत्रण रखूंगा या रखूंगी, बैलेंस रखूंगा, क्योंकि हर कोई मुझे इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फील करा देता है, हर्ट करा देता है, और मैंने जब भी किसी के लिए कुछ प्रयास किए, एफर्ट डाले, या किसी भी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से सोच विचार किया, बहुत मेहनत करी, वहाँ मुझे हर्ट होना पड़ा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग और अपना ध्यान जो है पैसों के प्रति, अपने फाइनेंसेस के प्रति ज्यादा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर फाइनेंस और जॉब बिजनेस में क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों के लिए करियर फाइनेंस जॉब बिजनेस में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। बिजनेस में मैं कहूंगी टाइम अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ बड़ी बड़ी नए नए चेंजेस के चलते आपको अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, अच्छा टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। कोई सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेशन है,
जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, या कोई गेट टुगेदर है, कोई सोशल इवेंट, या सोशलाइज काफी करेंगे अपने कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ, टाइम काफी स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं किसी तरीके के सोशल इवेंट्स में। और वहीं अगर मैं जॉब वालों की बात करूं तो जॉब वालों के लिए भी मुझे सिचुएशन बैलेंस नजर आ रही है, पर बहुत से लोग अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ चेंजेस अपनी जॉब में करने की प्रयास करेंगे, या तो वो अपने प्रमोशन के लिए बात करेंगे कि प्रमोशन हो जाए, या कहीं ना कहीं आप जो है जॉब स्विच करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड बदलने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस काम में आप अभी मौजूद है, लाइक इन्वॉल्व है, इस काम में आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म में कोई फ्यूचर है, कोई ग्रोथ है, तो आप अपनी लाइफ में ना कोई चेंज लेने के बारे में, कोई नया लाइक एक बोलते ना नई कुछ लेसन सीखने हैं, या नया कोई काम करना है, नई जॉब देखनी है, इस एनर्जी में नजर आ रहे हो। और डे ड्रीमिंग भी काफी कर रहे हो। आपके लिए स्पेशली सेकेंड वीक थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ फोकस नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक मतलब ये हफ्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेकेंड वीक से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ख्यालों में कहीं खोए हुए हैं, कोई भ्रमित दुनिया है जिसमें कहीं अब्सेंट नजर आ रहे हैं, कुछ सोच विचार हैं जिसके अंदर आप घिरे नजर आ रहे हो, डीप थॉट्स, डीप थिंकिंग, अपने फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न हो, कुछ अपने फैसलों को लेकर सोच विचार में नजर आ रहे हो। इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि फैमिली के कुछ इश्यूज हैं, या अपने रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस है जिसको आप फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड एनर्जी है, ऐसे लग रहा है जैसे आप अपनी स्थिति से सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। बट एक हफ्ता आपका बहुत अच्छा है, नेक्स्ट वीक से आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस नहीं लग रहा है, टेंशन नहीं लग रहा है, बट आप अपने लाइफ में कोई क्लैरिटी चाहते हैं अपनी फ्यूचर के ग्रोथ को लेकर, ठीक है। अब देख लेते हैं जो लोग जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीक अच्छा है, इस वीक आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हेल्थ, स्टडीज, ट्रैवलिंग और लीगल मैटर में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। तुम राशि वालों के लिए हेल्थ, स्टडी, लीगल मैटर, ट्रैवलिंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, टू ऑफ वॉन्स, स्टार। ओके, ट्रैवलिंग तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, आप कोई ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, छोटी मोटी ट्रैवलिंग या छोटे मोटे लॉन्ग ड्राइव जरूर हो सकते हैं, लेकिन कई बड़ी ट्रैवलिंग या जैसे विदेश यात्रा वगैरह मुझे नहीं दिखाई दे रही आपके लिए। यहाँ पर आप सोच विचार जरूर करेंगे कि आगे मैं चली जाऊंगा या घूमने जाऊंगी, लेकिन फिलहाल नहीं जा रहे कहीं, ठीक है। यहाँ पर लीगल मैटर्स की अगर बात की जाए तो लीगल मैटर्स में आप होपफुल बहुत रहेंगे, चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं, अच्छी न्यूज मिल सकती है लीगल मैटर वालों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी, स्टूडेंट्स थोड़े से एब्सेंट माइंडेड हैं, आपका ध्यान कहीं और ही है, पढ़ने पर आपका फोकस नहीं रहेगा, आपके रिजल्ट तो ठीक ठाक आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो अगर आपका कोई एडमिशन वगैरह करवाना है कहीं, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ध्यान कहीं और, कहीं उल्टी सीधी जगहों में कहीं केंद्रित होता हुआ, मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हुए पढ़ाई से नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा ज़्यादा लगाने की, फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, अचानक से घुटनों में दर्द या बैक में पेन हो सकता है, कुछ लोगों को स्किन रिलेटेड स्किन इन्फेक्शन या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मेजर प्रॉब्लम्स नहीं लग रही हैं, पर ये छोटी मोटी दिक्कतें रह सकती हैं, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लाइफ, यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, एट ऑफ कप्स, मैरिड लाइफ आप लोगों की अच्छी नहीं है, ठीक है। अपकमिंग इवेंट में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, नेक्स्ट टू वीक्स आपके लिए मैरिड लाइफ बहुत बहुत संघर्ष से भरी हुई दिखाई दे रही है, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत स्ट्रेस, इवन सेपरेशन तक की बातें, झगड़े, लड़ाइयाँ, मनमुटाव, सब कुछ छोड़ देने की एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका भी गुस्सा बढ़ने वाला है, पार्टनर का एटीट्यूड बहुत खराब है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, दूरियाँ क्रिएट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक दूसरे को आप पहले जैसा समझ ही नहीं पा रहे हो, पहले वाली जो बात थी, प्यार था, एक स्नेह था, एक कनेक्शन था, वो सब जैसे जा चुका है, बहुत से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहले वाला कुछ भी आपको अंदर अपने पार्टनर के महसूस नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ भी पहले जैसा नहीं है, और इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, झगड़े, लड़ाई, प्रॉब्लम, स्ट्रेस ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, कुंभ राशि वाले जो मैरिड लाइफ में सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या दिख रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हीरोपंत, नाइन ऑफ कप्स, जो लोग मैरिड लाइफ में अपने सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए न्यूज अच्छी है, उन लोगों के लिए टाइम अच्छा है, जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों के बीच में पैचअप हो सकता है, चीजें बेहतर हो सकती है, और पैचअप होने के लिए आप लोगों की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, दोनों की मदर्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली में, आपके और आपके पार्टनर की मदर्स। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों की ही मदर, हो सकता है किसी एक की मदर, जैसे आपकी मदर या आपके सामने वाले पार्टनर की मदर,
हेल्पफुल रहेंगी या आप लोगों के बीच में बच्चों के वजह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, बच्चों के वजह से कॉम्प्रोमाइज होगा। तो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, जो लोग सेपरेशन वगैरह फेस कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, उन लोगों के लिए चीजें बेहतर हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, जो लोग इन कॉन्टैक्ट है, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुंभ राशि वाले मुझे बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्स, एट ऑफ वॉन्स, ओके। यहाँ पर जो लोग लव लाइफ में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुंभ राशि वाले, उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी सिचुएशन आप लोगों के लिए बेहतर है, पर और बेहतर हो सकती है अगर आप लोग अच्छे से बातचीत करें। कम्युनिकेशन में गैप दिखाई दे रहा है, चीजें अच्छी हैं, आप थोड़ा काम में व्यस्त नजर आ रहे हैं, पार्टनर सपोर्टिव हैं, चीजें अच्छी हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, पर कुछ चीजें ना इमोशनली आप एक्सप्रेस करने से दूर भाग रहे हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव एक्ट है आपका, आप अपने आपके इमोशंस को दिखाने से दूर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने से आप लोगों के संबंध में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री और प्यार बढ़ सकता है, लेकिन जितना आप उन्हें इग्नोर करेंगे उतनी सिचुएशन बिगड़ सकती है। यहाँ पर आप इग्नोर करने का कारण मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है आपके पार्टनर बहुत एटीट्यूड में, आपको उनके उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको हल्के में ले रहे हैं, जिसके वजह से आप उनको अब थोड़ा सा इग्नोर करने के बारे में आप सोच रहे हैं कि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये व्यक्ति आपको हमेशा लाइटली नहीं ले सकते या नहीं ले सकती, जिसके वजह से आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा इग्नोर करने की एनर्जी या थोड़ा कम बात करने की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन अगर होगी, या तो देखो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ही कम्युनिकेट करना चाहिए, आपकी स्थिति आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है कि आप लोग दोनों में ना कम्युनिकेशन गैप आ गया, पार्टनर आपके ठीक से बोल नहीं रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि एक्सप्रेस तो आप फिर भी एक्सप्रेस कर ले पर सामने वाला व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं करता, तो वहां दिक्कत आ रही है। इसके वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा कोल्ड व्यवहार है, ओवरऑल मुझे ज्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही, ठीक ठाक ही लग रहा है, सिचुएशन आप लोगों के लिए ठीक ठाक सी है, बट ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को लेकर ऐसा फील कर रहे हो कि यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और हर बार आप ही को पहल करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है। इवन चांसेस है कि कुछ लोग एक ब्रेक लेंगे अपने रिश्ते में, कोई ब्रेक ले सकते हैं और वो सेकेंड वीक में चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए जो नो कांटेक्ट में है, कुंभ राशि वाले जो नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मुझे बताएं उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। फूल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनर को याद तो बहुत कर रहे हैं पर पहल करने में दिक्कत हो रही है आपको, आप पहल नहीं कर पा रहे, आप उन्हें याद बहुत कर रहे हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप नई शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं पर नई शुरुआत नहीं कर पा रहे, आपको कोई समझ नहीं आ रहा, कोई पसंद नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति को आप उनकी जगह नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग दोनों में बहुत दूरियां आपको महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं है, आप मूव ऑन करना चाहते हैं पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत लो फील कर रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनका प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं वो स्ट्रांग कनेक्शन पहले जैसा सब कुछ, बट आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अब आपको समझना ही नहीं चाहते, आपको कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंसेस फील हो रहा है इस रिश्ते में, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, वो चीजें ठीक ही नहीं करना चाहते, जिसके वजह से आपको भी बहुत दुख हो रहा है, आप उनसे प्यार बहुत कर रहे हैं पर आप उनके लिए पहल नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कांटेक्ट में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी, कुंभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगी। टेन ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, नए लोगों से मिलना बात करना प्लान कर रहे हैं, कर नहीं रहे, आई एम नॉट सीइंग कि वो अभी आपके लिए आपको छोड़कर किसी और से बात कर रहे हैं, बट उन्होंने प्लानिंग शुरू कर ली है, उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में अब आपके साथ कुछ भी नहीं बचा उनका, कुछ भी नहीं, ये रिश्ता अब उनके लिए एक बर्डन बन रहा है, बहुत ज्यादा बोझ जैसा है इस रिश्ते में, उन्हें पहले जैसा स्पार्क फायर कुछ महसूस नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है कि मानो कुछ वो जैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे आप, उन्हें लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, एक तरीके की एंडिंग है, जिस एंडिंग से ना आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे, ये एंडिंग ऐसा लग रहा है कि देखो आपके पार्टनर की एनर्जी अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स स्टक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये व्यक्ति आपसे दूर रहना चाहते हैं, यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो रही है बट स्टिल ये आपसे लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंडिंग हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि
आप उन्हें समझना ही नहीं चाहते, आप उनके साथ रहना ही नहीं चाहते। जब आप रहना ही नहीं चाहते तो वो आपको फोर्स क्यों करें? उनका माइंडसेट ऐसा है कि जब ये व्यक्ति मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता तो मैं इस इंसान को फोर्स क्यों करूँ, मैं क्यों इस इंसान को वापस लाऊं अपनी लाइफ में, या मैं क्यों इसके लिए प्रयास करूं। ऐसी एनर्जी है उनके अंदर। तो वो ऐसा मान चुके हैं कि शायद आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं। यूनिवर्स मुझे सिंगल्स के लिए बताएं, सिंगल कुंभ राशि वाले, जो कुंभ राशि वाले सिंगल हैं उनके लिए बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर सिंगल्स के लिए मैं बताऊंगी, जो लोग शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज फिलहाल नहीं आ रही, वेटिंग पीरियड बना हुआ है। जो शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं वेट करना पड़ जाएगा, अभी फिलहाल अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। जो लोग क्रश वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, प्यार व्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, एक तरफा प्यार है, तो उन लोगों के लिए भी वही स्थिति बन रही है जहाँ पर मुझे दिख रहा है वेटिंग एनर्जी रहेगी। आप वेट करेंगे कि वो व्यक्ति आपको अपने प्यार का इजहार करे, आप उन्हें हिंट देंगे, साइंस देंगे, आप दिखाएंगे आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं आप इंतजार करते नजर आ रहे हैं, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो कुछ ऐसे एक्ट नहीं कर रहे जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। वहीं जो लोग कंप्लीटली सिंगल है, जिनका रिलेशनशिप शादी वगैरह का कोई इरादा नहीं है, कोई रिश्ते में उन्हें पढ़ना नहीं है, उन लोगों के लिए दिख रहा है कि आप थोड़े से मायूस होंगे और अकेलापन महसूस करेंगे। आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में जैसे कोई स्पार्क या कोई रोशनी नहीं है, सब कुछ बहुत अजीब सा है, जैसे कि सैड सैड सा है, आप जैसे अपने आप को अकेलेपन में एक खाली सी एनर्जी में नजर आ रहे हैं देखते हुए। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए, एडवाइस कुंभ राशि वालों के लिए एडवाइस बताए क्या है। 21st October to 3rd November, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जहां पर चीजें बिगड़ रही है ना, वहां बात करके डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपकी वाणी ही चीजें ठीक करेंगी, ठीक है। अब बात से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैसेजेस या चैट्स, मैसेजेस और चैट्स से कोई हेल्प नहीं होने वाली आपकी, ठीक है। इफ़ अगर आपको लग रहा है कि आप मैसेजेस और चैट्स में चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कोई मेल लिख के सॉल्व करोगे, नहीं, यू नीड टू टॉक। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी वाणी से ही चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। आपको जहाँ पर चीज़ें बिगड़ती नजर आ रही हैं वहाँ पर आप सिर्फ अपनी वाणी से चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, प्लस किसी भी रीज़न से अपने आप को ज़्यादा ना झुकाएं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपके एफर्ट बेकार जा रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो चूज़ योर सेल्फ, खुद को चुने, ठीक है, खुद को चुने। आपके चुनाव से, अपने आप को चुनने से खुद ही चीज़ें आपके लिए फेवराइज्ड होंगी। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, लेट्स से आपकी कंपनी में आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अपने कंपनी में बोलना पड़ेगा अपने सीनियर्स को कि यार मुझे प्रमोट करो। तो आपको कम्युनिकेशन देनी है, आपकी कम्युनिकेशन ही आपको जिताएगी इस टाइम पे, ठीक है। तो आपके एक्शन ही आपको जिताएंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ग्रीन, येलो और गोल्ड, और उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी नंबर है नंबर 2, 6 और 3, और उसके अलावा लकी डेज रहेंगे आपके लिए थर्सडे का दिन, फ्राइडे का दिन, और उसके अलावा मंडे का दिन, ठीक है। अभी ये थी आपकी रीडिंग, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।